2013 में रिलीज हुई मूवी हेल बेबी बेसिकली एक हॉरर कॉमेडी टाइप मूवी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक लेडी एक मॉन्स्टर बेबी को जन्म देती है। मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही डरावने घर को दिखाते हुए होती है, जहां पर जैक और वैनेसा नाम के एक कपल उस घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। अब जैसे ही हम देख सकते हैं कि वैनेसा एक प्रेग्नेंट औरत है और सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, तो जैक उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। इतने में हम देखते हैं कि उसी घर के विंडो से एक डरावनी शक्ल की बूढ़ी औरत उन्हें देख रही होती है, पर वो लोग इस बात को नोटिस नहीं करते। नाइट में जब दोनों अपने सारे सामान को अनपैक कर रहे थे और नए घर में चीजों को सेट कर रहे होते हैं, तो जैक को एक लैंप भी मिलता है, जिसको वो जैसे ही टच करता है तो वो जोरदार शॉक मार देता है। तो तभी एक आदमी उनके घर के विंडो में दिखाई देता है और वो अंदर भी आ जाता है, जिसको देखकर वैनेसा काफी डर जाती है और जैक के पीछे जाकर छुपने लगती है। जैक जब उस आदमी से बात करता है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उनका ही नेबर है, जिसका नाम रेसनेल था। वो असल में चेक करने आया था कि ये दोनों सेफ है या नहीं, क्योंकि वहां के रहने वाले लोगों को लगता था कि ये घर एक हॉन्टेड है, पर यह बात जैक और वैनेसा को नहीं पता होती। इसके बाद रेसनेल उन दोनों को अलर्ट कर वहां पर रहने को कहता है और जरूरत पड़ने पर उसे बुलाने के लिए कहकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पेड्रिगो और सेबेस्टियन नाम के दो आदमियों को देखते हैं, जो कि वर्कआउट कर रहे होते हैं। असल में ये दोनों एक चर्च में फादर होते हैं। इसके बाद हम जैक और वैनेसा को देखते हैं, वैनेसा जो कि अंदर बाथरूम में नहा रही होती है और जैक वहीं पर दांत ब्रश कर रहा होता है। वो जब देखता है तो पहले वहां पर वैनेसा होती है। जैक के फिर से देखने पर वहां पर वैनेसा नहीं, वही डरावनी औरत होती है जो उस दिन इन दोनों को विंडो पर देख रही थी। तो जैक को शक होता है और वो चेक करने के लिए जाता है, मगर वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद हम वैनेसा को देखते हैं, जो कि किचन में किसी ब्रश जैसी शार्प चीज से अपने फिंगर्स को रब कर रही होती है और इससे उसके हाथों में काफी सारा खून भी निकल रहा था, पर इससे वैनेसा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो इस बात से खुश हो रही थी और मुस्कुरा रही होती है, और फिर वो अपने ही खून को चाटने लगती है। वहीं अब हम जैक को देखते हैं, जो कि उसी लैंप को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ठीक नहीं हो पाता। इतने में वैनेसा जैक को आइस टी देते हुए बताती है कि कल उनके घर उसकी सिस्टर आने वाली है और वह घर की शांति के लिए कुछ रिचुअल्स करेगी। तो जैक चाय का एक घूंट पीता है तो पता चलता है कि वो चाय नहीं बल्कि पेंट थिनर था, जिस पर वैनेसा कहती है शायद मुझसे गलती हो गई होगी, सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। जैक अपनी वाइफ की इन सभी हरकतों से काफी परेशान होता है और उसे अब जाकर यकीन होने लगता है कि यह घर वाकई में भूतिया होता है। और फिर से जैक के बगल में रेसनेल आता है। जैक पहले से ही परेशान था, रेसनेल को अचानक देखकर वो डर जाता है, जिसके बाद दोनों वही सारी बातों को डिस्कस करते हैं जो भी जैक और वैनेसा के साथ हो रही थी। और रेसनेल के वहां से जाने के बाद जैक एक दूसरे कमरे में जाता है, जहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को देखने के बाद जैक और भी ज्यादा परेशान होकर अपने बेड पर सोने चला जाता है। और जब वो बेड पर होता है तो उसकी ब्लैंकेट के अंदर कोई एंटर होता है और वो जैक को प्लेजर देने लगता है। जैक को लगता है कि शायद ये वैनेसा है, पर बाद में पता चलता है कि वो वैनेसा नहीं और कोई है, और ये वही औरत थी जो उस दिन विंडो पर इन दोनों को देख रही थी। जिसके बाद जैक खुद को बचाने के चक्कर में फायर एक्सटिंक्शर से उस औरत पर हमला कर देता है, जिससे वो बेड पर गिर जाती है। शोर सुनकर वहां पर वैनेसा आती है तो समझ आती है कि वो लेडी मर गई है और जैक ने ही मारा है, और पुलिस से बचने के लिए दोनों उसकी बॉडी को जमीन में दफना देते हैं। मगर तभी वैनेसा एक डॉग से कुछ अजीब लैंग्वेज में बात कर रही होती है। सीन यहीं कट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जैक अपनी वाइफ वैनेसा को लेकर एक डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाता है, पर उन दोनों को वेट करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर वर्कआउट करने के लिए बाहर गए हुए थे। अब जैसे ही डॉक्टर अपने क्लिनिक पर वापस आते हैं तो जैक और वैनेसा को वेट कराने के लिए माफी मांगते हैं। इतने में जैक को रेसनेल का कॉल आता है, जहां पर वह कहता है कि दो पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जिस पर जैक बताता है कि कैसे भी कर पुलिस वालों को वहां से वापिस भेज दो, मैं आकर सब बताता हूँ।
वह फोन पर बात ही कर रहा होता है कि डॉक्टर उसकी वाइफ वैनेसा को चेक करने के लिए मेडिकल रूम में लेकर जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद जैक देखता है कि वैनेसा का चेकअप पूरा हो गया है और वैनेसा डॉक्टर को थैंक यू बोलते हुए बाहर निकल रही होती है। इसके बाद वैनेसा जैक के पास आती है और घर चलने को कहती है, पर जैक कहता है कि रुको, मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है, उन्हें थैंक यू बोलना है, और वह मेडिकल रूम की तरफ जाने लगता है तो पीछे से उसकी वाइफ वैनेसा वहां पर जाने के लिए मना करती है। मगर जब जैक उसकी बात नहीं मानता तो वो रोने लगती है और जैक के दरवाजे खोलने पर हम देखते हैं कि डॉक्टर को वैनेसा ने बड़े ही खतरनाक तरीके से मार कर दीवार पर टांग दिया है। पीछे से वैनेसा को रोते देख जैक बिना अंदर देखे ही दरवाजा बंद कर वापस घर ले आता है, जहां पर वही पुलिस वाले आकर जैक को बताते हैं कि एक लेडी आपको थैंक यू बोलना चाहती है कि आपने उसकी याददाश्त वापस दिला दी, और वो लेडी कोई और कोई नहीं बल्कि वही औरत होती है जिसको जैक ने उस गड्ढे में डाल दिया था। इसके बाद वो लेडी जैक को हग कर थैंक यू बोलती है, जिसके बाद पुलिस वाले भी वहां से चले जाते हैं तो जैक और वैनेसा घर के अंदर आकर सेलिब्रेट करते हैं, चलो सब ठीक है। वहीं अब दोनों पुलिस ऑफिसर उसी डॉक्टर के क्लिनिक में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो तभी वहां पर फादर सेबेस्टन और फादर पेड्रिगो आ जाते हैं। वो लोग डॉक्टर की डेड बॉडी को देखकर बताते हैं कि ये काम किसी इंसान का नहीं है और हमें यहाँ पर सुपर पावर एनर्जी की रीडिंग्स मिल रही है। इसके थोड़ी देर बाद सभी मिलकर रेस्टोरेंट जाकर खाना खाते हुए सुपर पावर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इधर जैक और वैनेसा के कमरे से डॉग के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। जैक जब देखता है तो उसे पता चलता है कि डॉग की आवाज़ कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ वैनेसा निकाल रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैनेसा किचन में रॉ मीट खा रही होती है, तभी जैक वहां आता है और रात वाले इंसिडेंट को लेकर दोबारा वैनेसा को डॉक्टर के पास चलने को कहता है, मगर वो नहीं मानती और वहां से चली जाती है। और तभी वहां की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है, जिसे ठीक करने के लिए जैक उसी रूम में वापस जाता है जहां उसे वो बॉक्स मिला था। और इसी बीच रेसनेल वहां आकर जैक को फिर से डरा देता है, जहां दोनों बात करते हैं, जिसमें जैक उसे डॉग के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो बोलता है कि वो डॉग एक घोस्ट डॉग है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। वो ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि उसने आज तक उसकी पोप नहीं देखी थी। साथ ही रेसनेल एक बुक का जिक्र करता है, दरअसल ये वही बुक होती है जो कि जैक को उसी बॉक्स के अंदर मिली थी। और इन सभी बातों के बाद दोनों रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं और लंच करने के बाद जैक जब अपने घर आता है तो उसे बाथरूम से शावर की आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाता है कि वहां पर वैनेसा की सिस्टर मार्चोराय होती है, जिसके बाद मार्चोराय और जैक और रेसनेल के साथ मिलकर एक रिचुअल करती है। उनके साथ एक इलेक्ट्रिशियन भी होता है जो कि केबल्स ठीक करने आया होता है। तो तभी रिचुअल के बीच में घर की सारी चीजें हिलने लगती है तो वो सभी लोग घर के बाहर भाग जाते हैं, मगर बाहर सब नॉर्मल था, यानी कि अर्थक्वेक सिर्फ घर के अंदर ही था जो कि उसी डेवल ने किया था। और तभी वो इलेक्ट्रिशियन भी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब चीजें हिलना बंद होती है तो सभी लोग रेसनेल के घर साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां दोनों पुलिस ऑफिसर आकर उस डॉक्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक डॉक्टर की लास्ट अपॉइंटमेंट जैक और वैनेसा के साथ ही थी। इसी बेस पर वो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, पर जैक और वैनेसा बताते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। पर पुलिस को अभी भी उन पर शक है और वो यही बात बाहर फादर पेड्रिगो और सेबेस्टन को बताते हैं, जहां में पता चलता है कि पेड्रिगो और सेबेस्टन इसी बीच जैक के घर की तलाशी ले रहे हैं और उन्हें वो बुक भी मिल जाती है। साथ ही वो उस डॉग की भी फोटो क्लिक कर लेते हैं और उसी बुक पर जो लेडी थी उसका फेस बिल्कुल वैनेसा से ही मिल रहा था। इसी बीच उनकी कार पर एक क्रो आकर गिरता है, जिसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ होता है, जिसे देखकर वो कन्फर्म हो जाते हैं कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है। और एक रात जैक मार्चोरे और रेसनेल को वैनेसा के कमरे से अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए वो अंदर जाते हैं, मगर वैनेसा वहां मौजूद नहीं होती। वो लोग वैनेसा को ढूंढ रहे होते हैं
तभी वैनेसा जैक को उसके पैर पकड़कर उसे बेड के नीचे खींच लेती है और उसे खाने की कोशिश करती है, मगर जैसे तैसे कर जैक खुद को बचा देता है। पर वो लोग देखते हैं कि वैनेसा हंसते हुए हवा में उड़ रही है और ये देखकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद पुलिस के साथ दोनों फादर भी वहां पर आ जाते हैं। और आते ही फादर पैट्रिको और सेबेस्टियन उसे नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर वैनेसा को बेड पर रस्सियों से बांध देते हैं। तभी वैनेसा को प्रेगनेंसी पेन हो रही थी, यानी कि वो अब बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब क्योंकि वहां पर कोई डॉक्टर नहीं था तो उसकी सिस्टर मार्जोरे ही उस बेबी की डिलीवरी करती है और उस बेबी के बर्थ से जैक और वैनेसा काफी खुश हो जाते हैं। तो इतने में अचानक से वैनेसा को फिर से पेन होने लगती है और उन्हें किसी मॉन्स्टर बेबी की आवाज सुनाई देती है। मार्जोरे फिर से डिलीवर करने के लिए जाती है तो वह उस मॉन्स्टर बेबी को देखकर डर जाती है, पर जैक को वैनेसा के चिल्लाने से बहुत बुरा लग रहा था और वो खुद डिलीवरी के लिए आगे आता है और उस मॉन्स्टर बेबी को बाहर निकाल लेता है। और जैक के उस बेबी के गोद में लेते ही मॉन्स्टर बेबी उस पर अटैक करता है, जिसके बाद वो कहीं पर जाकर छुप जाता है। तो सभी उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी अचानक से वो एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक करता है। ये देखकर उसका साथी उस डेविल को मारने के लिए उस पर शूट करता है, मगर गोली ऑफिसर को लग जाती है जिससे वो मर जाता है। इतने में मार्जोरी रेसनल को कहती है कि पहले वाले बेबी को बाहर ले जाइए। इसी बीच दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी कर देते हैं, मगर तभी मॉन्स्टर बेबी मार्जोरी को काट लेता है और वो भी मर जाती है। इसके बाद वो फादर पैट्रिको पर भी अटैक कर उसे भी मार देता है। ये सब देखकर जैक मॉन्स्टर बेबी पर उसी लैंप से अटैक करता है जो कि उसे स्टार्टिंग में घर में मिला था, और फाइनली उस बेबी मॉन्स्टर की भी मौत हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग घर के बाहर बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां जैक वैनेसा से उस बुक के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसकी मॉम एक पॉन्स्टर थी। और वहीं रेसनल मॉर्जाई के डेथ से उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, तो फादर सेबेस्टियन उनसे कहता है कि तुम लोगों को सब कुछ भूल कर न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद वैनेसा उस बेबी का नाम सेबेस्टियन रेसनल रख देती है, जिससे सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। और तभी फादर सेबेस्टियन वहां से चला जाता है और बात करते करते रेसनल रोड पर चला जाता है, जहां उसके पैरों के नीचे डॉग की पूप आ जाती है, जिसे ने यकीन हो जाता है कि ये एक नॉर्मल डॉग है। लेकिन तभी पीछे से एक कार आकर रेसनल को टक्कर मार देती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।